आपने अक्सर देखा होगा कि थ्री पिन वाले जितने भी प्लग होते हैं, चाहे वो गोलाकार पिन वाला प्लग हो या चपटी पिन वाला प्लग हो, उनमें हमेशा एक पिन जाड़ा और लंबा होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तीन पिन वाले प्लग में एक पिन हमेशा जाड़ा और लंबा क्यों होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएँ और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ आप रोज़ाना देख सकेंगे। देखिए, करंट के दो प्रकार होते हैं, एक एसी और दूसरा डीसी। कुछ उपकरण एसी सप्लाई पर काम करते हैं तो कुछ उपकरण डीसी सप्लाई पर काम करते हैं। देखिए, एसी सप्लाई पर काम करने वाले जो उपकरण होते हैं उनके प्लग में हमेशा तीन पिन होते हैं, जैसे फ्रिज, एसी, ग्राइंडर और अन्य कई सारे उपकरण। दो पिन वाले प्लग ज़्यादातर छोटे और डीसी सप्लाई पर काम करने वाले उपकरण में होते हैं। इन दो पिन वाले प्लग में दोनों भी पिन समान साइज के होते हैं। एक पिन फेज होता है, जिसे लाइव भी कहा जाता है, यानी उसमें से करंट आता है, और दूसरा न्यूट्रल होता है, जो सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है, यानी लाइव से आने वाला जो करंट होता है वो उपकरण से गुजर के वापस न्यूट्रल में जाता है। तीन पिन वाले प्लग में दो छोटे पिन यानी फेज और न्यूट्रल होते हैं, और मोटी पिन अर्थिंग की होती है, जिसे ग्राउंड पिन भी बोलते हैं। देखिए, ये जो बड़ी अर्थिंग की पिन होती है वो हमारे सुरक्षा के लिए होती है। जी हाँ, क्योंकि एसी पर काम करने वाले और धातु के आवरण वाले उपकरण से लीकेज करंट या कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण करंट आता है तो उससे बिजली का झटका लगने के चांसेस होते हैं। इस अर्थिंग पिन के जरिए उपकरण को अर्थिंग मिलता है, यानी जो लीकेज करंट यानी किसी फॉल्ट के कारण जो करंट आता है वो इस अर्थिंग पिन के जरिए धरती में वापस जाता है, यानी उपकरण हमेशा अर्थिंग से जीरो पोटेंशियल पर रहता है और हमें बिजली का झटका लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जान लेते हैं कि ये अर्थ की पिन जाड़ी और लंबी क्यों होती है। तो पहले जान लेते हैं कि यह पिन लंबी क्यों होती है। देखिए, जब हम प्लग को सॉकेट में डालते हैं तब सबसे पहले अर्थ की पिन लंबा होने के कारण वो पहले अंदर जाती है और बाद में बाकी के दो पिन जाते हैं, यानी इससे हमारा उपकरण मेन सप्लाई से जोड़ने से पहले प्रॉपर तरीके से अर्थ हो जाता है। साथ ही प्लग को सॉकेट से बाहर निकालते वक्त भी पहले फेज और न्यूट्रल पिन बाहर निकलते हैं और अंत में अर्थिंग वाला पिन बाहर निकलता है, जिसके कारण उपकरण प्रॉपर अर्थिंग के संपर्क में रहता है और उपकरण सेफ रहता है। तो पिन जाड़ा क्यों होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पिन का एरिया ज़्यादा होने के कारण उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम हो जाता है, और अगर कहीं लीकेज करंट होता है तो वो आसानी से धरती में जाता है और हमें बिजली का झटका लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको पता चला होगा कि तीन पिन वाले प्लग में एक पिन बड़ा क्यों होता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।